हेलो भाई जी, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस हिसाब से जो है आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगहों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दूंगा, 20 सेकंड का समय दूंगा, उसी के अंदर आपको सॉल्व करना है और आंसर जो है आपको टाइप कर देना है। बताइए, सभी लोग कमेंट जरूर करते रहे, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट तुरंत करते रहें। चलिए अब देख लेते हैं यहां पर क्या दिक्कत है और क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपके बाकी के 4 ऑप्शन है, जैसे यहां पर भी एल आई एन ई है, इस वाले ऑप्शन में भी एल आई एन ई मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन में भी एल आई एन ई मिल जाएगा, लेकिन इस वाले ऑप्शन में आपको आई नहीं मिलेगा, यहां पर आपको जो है ए मिल जाएगा, यानी कि इसीलिए ये जो है आपका अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि m माइनस एन में से m प्लस एन घटाने पर कितना होगा। बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, m माइनस एन में से m प्लस एन घटाने पर कितना होगा। चलिए सभी लोग लगाते चलिए, आपको हम सिर्फ 20 सेकंड का समय देंगे। m माइनस एन में से आपको घटाना है m प्लस एन। तो आपको पता है कि यहां पर m माइनस एन लिखा है, जब आप ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाले एम से माइनस वाला एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2n, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग आंसर देते रहे, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए, यानी इनमें से विषम कौन है, बोलना, सोना, चलना या खाना। चलिए यहां पर चलना को अगर हम बताएं तो यहां पर वॉकिंग की बात की गई है, जो आप वॉकिंग करते हैं। बोलना यानी स्पीकिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहीं पर खाना का मतलब होता है यहां पर फूड से है, और सोना यानी कि स्लीपिंग से है। चलिए तो यहां पर आपको बताना कि इसमें अलग क्या, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि चलना, बोलना और सोना आपकी जो है शारीरिक क्रिया है, लेकिन खाना आपका जो है शारीरिक क्रिया नहीं है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित में से फिक्सिंग का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, इसमें से आपको बताना है कि फिक्सिंग का मिरर इमेज क्या होगा। चलिए जैसे आपका यहां पर फिक्सिंग लिखा हुआ है, एफ आई एक्स आई एन और जी, और इसके आगे हमको एक मिरर लगा देना है, आपको यही मिरर इमेज बनाना है। तो जब आप इसके आगे मिरर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है आपका ये बनेगा जी, ठीक है। उसके बाद में एन की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल, तो आपका कुछ इस प्रकार का एन बनेगा। आई आपका सेम रहेगा, एक्स भी आपका काफी हद तक सेम रहेगा, फिर आपका आई सेम रहेगा, लेकिन जो एफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर बिल्कुल नहीं पसंद आए तो कुछ भी ना करिए, आप पढ़ लीजिए बस, बहुत वही। चलिए 594, 198, 66 आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कमेंट करते जाइए, बिल्कुल कमेंट करते जाइए, आंसर और कॉपी पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, फटाक से सॉल्व करिए। 20 से 25 सेकंड का आपके पास समय रहेगा, आप उसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए चलिए तो मैं यहां पर बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो 594 लिखा, अगर हम इसको 3 से भाग कर देंगे तो हमको 198 मिल जाएगा। वहीं पर जो हमारा 198, अगर हम इसको भी 3 से भाग कर देते हैं तो हमको 66 मिल जाता है, और अगर हम 66 को भी 3 से भाग कर देंगे तो हमको जो है 22 मिल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार यस जरूर लिख दें कमेंट में सभी लोग, अगर समझ में आ गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर अखबार का प्रेस है तो कपड़े का क्या होगा, बताइए। जिस प्रकार अखबार का संबंध प्रेस से उसी प्रकार कपड़े का संबंध किससे है, क्या सही होगा? दर्जी सही होगा, वस्त्र सही होगा, तंतु सही होगा या मिल सही होगा? चलिए मैं बता दूं, देखो अखबार जो है प्रेस में छपता है और जो कपड़ा होता है इसके लिए मिल होता है, ठीक है। बिल्कुल, दर्जी तो जो है सिलता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेवन, दही मक्खन तेल पनीर और क्रीम में आपको विषम बताना है। दही मक्खन तेल और पनीर, तो मुझे लग रहा बहुत इजी होगा क्योंकि तेल जो है ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि जो आपका क्रीम है, पनीर है और दही है, ये जो तीनों आपके हैं तीनों जो है दूध से बनते हैं, ठीक है। लेकिन तेल जो है ये अलग है आपका। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पर। बिल्कुल धुआं धुआं मचा देना है कोई भी, अगर आपका कंपटीशन का एग्जाम है सब कुछ जो है बेहतरीन ढंग से होगा, बिल्कुल घबराना नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर जो है एट पर आ जाते हैं हम लोग। ये एक जो है, अब आपको लग रहा होगा सर ये रीजनिंग में मैथ कहां से आ गई, तो मैं आपको बता दूं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां पर कम से कम जब आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलेंगे तो उसमें से दो से तीन जो प्रश्न है वो आपको मैथ को भी देखने के मिलेंगे, जैसे सीआई और एसआई के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और एक दो जो है आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीजें आपको देखने को वहां पर मिल सकती है, तो इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मैथ का क्वेश्चन मैंने क्यों ले आया हूं, वहां पर भी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर एक दो क्वेश्चन आपको नॉर्मल मैथ, मतलब कोई वो नहीं मन है, बिल्कुल नॉर्मल मैथ आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए तो इसमें आपको जो दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं। अगर आप 3000 का आप 10% आप निकालते हैं पहले साल के लिए, 3000 का 10% तो आपको जो है टोटल 300 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल मिल जाएगा। अगर आप दूसरे साल के लिए निकालेंगे आप तो 3300, यानी कि भाई जब दूसरे साल का आप निकालते हो तो ये 300 इसमें ऐड हो जाता है, तो 3300 हो जाएगा। और 3300 गुणे 10/100 आप करोगे तो आपको 330 रुपए मिलेंगे, यानी पहले साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज 300 और दूसरे साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 330, यानी टोटल अगर दोनों हम मिला देंगे तो आंसर हो जाएगा 630 रुपए। कंफर्म है? चलिए तो ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही अभी हमें तीसरे साल का निकालना होता तो हम इस 330 को इसमें भी ऐड कर देते, नहीं तब हो जाता हमारे पास 3630 और फिर हम इसका 10% निकालते। तो इसी प्रकार से आप हर एक साल का जो है सीआई आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नौ, वैभव दो दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ एक दिन में 20 पूरी खाता है, वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे। काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, आप सभी लोग जो है इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं। तो देखो आपको पता है कि अगर वैभव जो है आपका दो दिन में 10 पूड़ी खा लेता है, कितने पूड़ी खा लेता है? 10 पूड़ी आपका खा लेता है, तो जाहिर सी बात है एक दिन में जो वैभव कितना खाएगा, तो आप कहोगे सर 5 पूड़ी खाएगा, बिल्कुल सही बात है। वहीं पर यह कहा गया है कि सौरभ जो है, जो यहां पर सौरभ है वो एक दिन में कितना खा लेता है, वो एक दिन में 20 पूरी खा लेता है। अब अगर दोनों की बात करें, यानी कि जो वैभव है, वैभव और सौरभ अगर हम दोनों की बात करें तो ये एक दिन में 20 और 5 25 पूरी खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे, ये बताओ आप बिल्कुल सिंपल से तरीके से। 5 पूरी एक दिन में वैभव खाता है और 20 पूरी एक दिन में सौरभ खाता है, और जब दोनों एक साथ खाने शुरू करेंगे तो एक दिन में 25 पूरी खाई जाएगी, और कुल पूड़ियां कितनी खानी है, तो अगर हमें समय निकालना है तो कुल पूड़ी हमको 250 खानी है, और एक दिन में दोनों मिलकर खा कितने लेते हैं, तो 25, तो 25 दाम 250, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात कंफर्म है भाई, वैभव अगर दो दिन में 10 पूड़ी खाता है तो एक दिन में 5 पूड़ी खाएगा कि नहीं खाएगा, और सौरभ जो है वो एक दिन में 20 पूड़ी खा लेता है, और जब दोनों एक साथ पूड़ी खाएंगे तो एक दिन में कितनी पूड़ी खा लेंगे, 25 पूड़ी, और टोटल पूड़ी कितनी खानी है, 250, तो जब एक दिन में 25 पूड़ी खा लेते हैं तो 250 × 25 कितना हो जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ गया तो एक बार यस जरूर लिख दें, अगर समझ में आ गया तो एक बार यस जरूर लिखें। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए, 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25 और 125।
बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम लोगों को तैयारी करनी है, बस भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम सभी लोग अपने अपने जो मंजिल है उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं किसी को भी, बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो आप अगर पीछे से सॉल्व करिए तो ये लिखा है 5 की घात 1, ये लिखा है 5 का स्क्वायर और ये लिखा है 5 का क्यूब। ऐसे ये लिखा है 4 की घात 1, ये लिखा है 4 का स्क्वायर और ये लिखा है 4 की घात क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 की घात 1, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो यहां पर 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए था लेकिन यहां 10 लिखा है, इसका मतलब यही वाला जो हमारा है वो गलत लिखा है। तो इसका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, ये आपका बनना चाहिए था। तो यहां पर राइट आंसर 10 आ जाएगा क्योंकि 10 यहां पर गलत लिखा है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको श्रृंखला को पूरा करना है 2, 7, 16 क्वेश्चन मार्क 46, 67, 92। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से लगाइए आप। बिल्कुल सभी को जो है 20 सेकंड का समय दे दिया गया है तो सभी लोग ध्यान से लगाएं। बिल्कुल 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 मजेदार, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे और यही लेवल आपका यूपीपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी जो आपका है, हर एक जगह पर यही लेवल होता है, कोई अलग नहीं होता। चलिए बिल्कुल, तो इसके और इसके बीच का अंतर 5 हो जाएगा, इसके इसके बीच का अंतर 9 हो जाएगा, यहां का हमें नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां पर 21 हो जाएगा और यहां पर जो है 25 हो जाएगा। तो आपको एक बात दिख रहा होगा कि यहां भी 4 का अंतर है, यहां भी 4 का अंतर है, इसका मतलब इसमें 4-4 का अंतर आ रहा है। तो 9 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 16 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो 29 हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, और अगर हम 29 में मान लो 17 ऐड करेंगे तो 46 भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 29 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया हो तो जरूर बताएं, क्योंकि यहां पर 5 बढ़ रहा है, यहां 9, तो आगे 13, फिर 17, फिर 21 और फिर 25 आपका बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनिए, बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया बताइए, और ये जो है क्वेश्चन इस टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस में देखने को मिलेगा, निश्चित बता दे रहा हूं, ये क्रम वाला है क्वेश्चन है, इसको आप जरूर एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास बुक वगैरह है तो आप जरूर करिए, बाकी मैं किसी दिन चैप्टर वाइज जब लाऊंगा तो इसको मैं करवा दूंगा, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको बुक लेनी है तो सबसे पहले आप चाबी उठाओगे, क्या उठाओगे, चाबी उठाओगे, सबसे पहले आप चाबी उठाओगे, यानी सबसे पहले आपका 2 नंबर आ जाएगा। और चाबी उठाने के बाद आप क्या करोगे, आप ताला खोलोगे, यानी 4 नंबर हो जाएगा। और ताला खोलने के बाद आप क्या करोगे भाई, दरवाजा खोलोगे, जाहिर सी बात है 3 हो जाएगा। दरवाजा खोलने के बाद आप क्या करोगे, कमरे में एंट्री करोगे और उसके बाद में आप पुस्तक को उठा लोगे, यानी 2, 4, 3, 5, 1, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे की तरफ, चलिए समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, और बिल्कुल बिल्कुल यस लिख दीजिए जिन लोगों को समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन। पहले आप चाबी लोगे, फिर आप ताला खोलोगे, फिर आप दरवाजा खोलोगे, फिर आप कमरे में घुसोगे और फिर आप पुस्तक लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है, दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। बहुत बढ़िया, तो देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो पहले आपके 3 छात्र बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में आपके 6 छात्र बढ़ रहे हैं, फिर आपके 9 छात्र बढ़ जाएंगे, फिर आपके 12 छात्र बढ़ जाएंगे। देखो 3-3 की वृद्धि हो रही, 3, 6, 9, 12, और फिर कितना बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। तो 550 में जब आप 15 ऐड कर दोगे भैया मेरे, 550 में जब आप 15 ऐड कर दोगे तो बिल्कुल जो है 565 आपका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल, चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, अमित उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, बताइए। बताइए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, यहां पर कोई एक बच्चा है जिसका नाम है अमित और ये एक महिला की ओर जो है इशारा कर रहा है, ठीक है,
इनके पिता यानी इस महिला का जो पिता है, इस महिला का जो पिता है इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, यानी इनके पिता का एक ही पुत्र है तो जाहिर सी बात है इस महिला का भाई हुआ। अगर इनके पिता का एकमात्र पुत्र है तो इस महिला का भाई हुआ, मेरे पिता है यानी कि ये जो एकमात्र पुत्र है वो अमित का पिता है। कौन है वो? अमित का पिता है। तो आपसे ये पूछा गया है अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गए अमित के पापा, ये हो गए अमित की बुआ, तो इनकी बुआ भतीजा का जो है रिश्ता है, तो आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ गया तो यस जरूर लिख दें, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 73 + 35 + 78 + 57 + 197 को 34 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना आपको, ना तो सभी को ऐड करना ना ही कुछ करना, मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन वाला मेथड बता दे रहा हूं, आपको इसी मेथड से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। और इन सभी को आपको भाग करना है 34 से, अगर आप 34 से 73 को आप भाग करोगे तो 34 × 68 आपको यहां से 5 शेष बचेगा, 34 × 68 यहां से 7 शेष बचेगा, 34 × 68 यहां से आपको 10 शेष बचेगा, 34 × 34 तो यहां से आपको 23 शेष बचेगा, और यहां पर जब आप 197 को आप 34 से आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से यहां पर 34 × 6 = 24 यहां पर आप भाग कर लीजिए इसको, पांच बार जाएगा सर, 5 × 20 और 5 × 3 = 15 × 17 यानी कि 170 जो है यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर 27 शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा 27 शेष बचेगा। तो अब आप इनको ऐड कर सकते हो, 7, 5, 12, 10, 22 और 23, 45, 45 और 27 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 को जब आप फिर से 34 से भाग करोगे तो आपको 34 × 68 यानी 4 शेष बच जाएगा, तो इसका आंसर नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, जैसे आप 73 को जब 34 से भाग करोगे तो 34 × 68 5 शेष बचेगा, 75 को आप 34 से भाग करोगे 34 × 68 7 शेष बचेगा, 78 को आप 34 से भाग करोगे तो 34 × 68 10 शेष बचेगा, 57 को आप 34 से करोगे तो 34 × 34 23 शेष बचेगा, 197 को जब आप 34 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दूं 34 × 5 आप अगर लेकर जाओगे तो 170 होगा, ठीक है, तो 27 शेष बच जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर देना है, 5, 7, 10, 23, 27 जो भी इनको ऐड कर दो, और जब आप इनको ऐड करोगे तो 72 आएगा, और 72 को आप 34 से भाग करोगे तो 4 आपका शेष बच जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि टीचर को बी जी सी ई जे जी टी लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए बताइए, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए सभी की, बिल्कुल सभी लोग जरूर सॉल्व करें, कोई भी यहां बैठेगा नहीं। चलिए बिल्कुल, तो आपको एक चीज तो दिख रहा होगा यहां से प्लेस वैल्यू से कि सभी में दो दो की वृद्धि हो रही, 5 × 7, 1 × 3, 3 × 5, 8 × 10, 5 × 7, 18 × 20, इसका मतलब जो चिल्ड्रन आपका है, अगर आप चिल्ड्रन का करोगे तो अगर मैं चिल्ड्रन की प्लेस वैल्यू यहीं पर लिख दूं तो सी हो जाएगा 3, एच हो जाएगा 8, आई हो जाएगा 9, एल हो जाएगा 12, डी हो जाएगा 4, आर हो जाएगा आपका आपका 18 हो जाएगा, ई हो जाएगा 5 और एन हो जाएगा 14, ये प्लेस वैल्यू होती है। तो अगर आप इसमें ई में 3 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 8 में 3 ऐड 2 ऐड करोगे तो 10 आएगा, 9 में 2 ऐड करोगे 11, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, 18 में 2 ऐड करोगे 20 और 5 में 2 ऐड करोगे 7, 14 और 2 16। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो ई की होती है, 10 की कितनी होती है जे, और 11 की किसकी होती है के, 14 होता है एन, 6 होता है आपका बिल्कुल 6 आपका एफ का हो जाएगा,
और 20 होता है टी का, 7 होता है जी का, और आपका जो है 16 होता है पी का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है? ई जे के एन, ई जे के एन एफ जी एफ टी जी पी, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सभी में दो दो की बढ़ोतरी हुई है। और आप सभी लोगों को मैं फिर से बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको उसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और एग्जाम में आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, तो आप एबीसीडी जो है आप जड़ तक लिख लीजिए और आपको ये पता लग जाएगा कौन सी वैल्यू का कौन सा चीज है। ठीक है, जैसे ए एक हो गया, बी आपका दो हो गया, ऐसे आपको चीजें याद कर लेना है, और नहीं याद है तो एग्जाम में आपको ऐसे लिख लेना, वैसे याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। 9, 25, 49 क्वेश्चन मार्क 121, इसमें आपको सीरीज को पूरा करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ये आपका जो 9 है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 81। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी कूट भाषा में 926 को लिखा जाता है अपनी टाई क्लिप है, 175 का अर्थ है सुराख और बटन, सुराख और बटन, तो 927 का अर्थ है टाई क्लिप बटन है, तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? यह भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेहतरीन जो है क्वेश्चन है, यह बताइए। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, जिसे यहां पर 926 लिखा है, अपनी टाई क्लिप को हम लिख देते हैं एपी, ये हो गया अपनी, टाई को हम लिख देते हैं टी, और क्लिप को लिख देते हैं सीएल, ये हो गया आपका बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं। 175 जो यहां पर लिखा है इसको मैं लिख देता हूं सुराख और बटन, तो सुराख को हम एसयू से लिख देते हैं, और को हम एयू से लिख देते हैं, और बटन को हम बीटी से लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। जो यहां पर 927 है लिखा टाई और क्लिप, तो टाई को हम टी से लिख देंगे, क्लिप को हमने सीएल से लिखा तो सीएल से लिख देंगे, और बटन को हम बीटी से लिख देंगे क्योंकि मैंने लिखा है। अब इसमें हमें बटन का निकालना है, तो बटन कहां है? यहां भी बटन है, यहां भी बटन है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में आपको 7 कॉमन मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? 7 कॉमन। यहां पर बटन दोनों जगह कॉमन है, यहां 7 कॉमन है, इसका मतलब बटन का क्या हो जाएगा? 7 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल, आप पूरा लिख सकते हो, अपनी टाई क्लिप है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर मैंने अपनी को एपी से लिख दिया, टाई को टी से लिख दिया, क्लिप को सीएल से लिख दिया, ताकि हमको ये चीज जो है, इतनी चीजें मुझे इधर दोबारा ना लिखनी पड़ी, इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ए बी और सी की औसत आयु 18 साल है, यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु कितनी है? बताइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका है कि अगर ए बी सी की औसत आयु 18 है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे 3 बराबर 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एज होगी वो 54 साल हो जाएगी। भाई 18 3 54 हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहां पर इन्होंने कहा, हम इन तीनों चीजों को देख लेंगे, इन्होंने कहा है ए बी सी, इनको लिख लेते हैं पहले। इन्होंने ये कहा है, अगर हम सी को एक्स मान लें, तो इन्होंने हमसे कहा यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी जो बी है वो सी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और बी जो है 2 वर्ष ए से बड़ा है, यानी कि ए जो है एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये बात कंफर्म है। अब इनको आप ऐड करो, तो एक्स एक्स एक्स, यानी ये 3x हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। और आपको पता है कि ए बी सी अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 54 साल हो जाएगा। ठीक है भैया, 54 साल हो जाएगा। चलिए, तो 3x बराबर हो जाएगा 46 के, तो एक्स बराबर हो जाएगा 46/3, 46/3 हो जाएगा। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है, बिल्कुल, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और सी से 5 वर्ष छोटा है, सी से 5 वर्ष छोटा है, सॉरी छोटा था, यहां पर हमने बड़ा कर दिया है, यहां पर ये माइनस होगा ना, ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा। यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है, यदि बी जो है 2 वर्ष ए से बड़ा है, इसका मतलब ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा, यहां पर एक्स माइनस 7। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 3x
और 7, 5, 12 यानी कि ये माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हुई थी यहां पर, थोड़ा इरेज कर देता हूं। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये आपका जो है x माइनस 5 हो जाएगा और ये आपका x माइनस 7 हो जाएगा। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, a प्लस बी प्लस सी ऐड करोगे, तो आपको 3x मिल जाएगा और माइनस 7 और माइनस 5 आपका माइनस 12 हो जाएगा। और आपको यहां पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 54 है, तो 54 बराबर 3x माइनस 12 हो जाएगा। ये माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो 54 प्लस 12 बराबर आपको 3x मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा इधर सॉल्व करूंगा तो 66 बराबर हो जाएगा 3x, तो x बराबर आपका हो जाएगा 22। क्लियर है, x आपकी किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो आपको c की ही वैल्यू बतानी थी, तो आंसर नंबर a आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो एज इनकी औसत दी गई थी, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 18 हो जाएगा। तीनों का जो है योग की बात करेंगे तो वो 54 हो जाएगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना, देखो यहां पर कहा है, और जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी आपको सीरीज दे दिया जाए तो आप तुरंत ए बी सी को लिख दें और सी से स्टार्ट करें। अगर हमने सी को एक्स मान लिया तो इन्होंने कहा था कि यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि जो बी है वो सी से 5 वर्ष छोटा है, तो हमने एक्स माइनस 5 कर दिया, और जो बी है वो ए से 2 साल बड़ा है, यानी कि एक्स माइनस 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बस हमने इसको सॉल्व कर लिया और एक्स की वैल्यू आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि 1 फरवरी 1990 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन था, बताइए बताइए। बिल्कुल, चलिए तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 1 फरवरी की। 1 फरवरी, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जो आपका 1900 आपका साल होता है, 1900 आपका सामान्य ईयर है, और मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य साल होता है, जो आपका सामान्य साल होता है, ये कैलेंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ एक विषम दिन आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सामान्य साल होता है इसमें 365 दिन होता है, और जब हम इनको 7 से भाग करेंगे तो 52 हफ्ता और 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। यह बात बिल्कुल कंफर्म आपको, यानी कि सामान्य साल में 1 दिन जो है आपका विषम होता है। वैसे ही हम ये बात करें, 1 फरवरी 1990 से अगर हम 1 फरवरी 1901 तक जाएंगे, 1990 से और अगर हम 1901 तक जाएंगे तो हमें एक विषम दिन जो है यहां पर मिलेगा। समझ में आ गई बात? और 1 फरवरी से 1 मार्च तक अगर हम जाएंगे, आपको पता है कि अगर हम 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में अगर हम जाएंगे तो हमको 28 दिन बचेगा। कितने दिन लगेंगे? 28 दिन लगेगा। ये बात भी आपको बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एक विषम दिन ये और 28 विषम दिन ये, तो टोटल हमको विषम दिन कितने मिल जाएंगे? 29 विषम दिन हमको मिल जाएंगे। और अगर हम इस 29 को 7 से भाग कर दें, क्योंकि कोई भी चीज होगी उसको 7 से इसलिए भाग करते हैं क्योंकि वहां पर आपको हफ्ते में 7 दिन होता है, तो अगर हम 29 को 7 से भाग करेंगे तो हमको एक विषम दिन मिल जाएगा। तो पहले हमारा सोमवार था, अगर एक विषम दिन मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा मंगलवार। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, तो मंगलवार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, जो आपका सामान्य साल होता है उसमें एक विषम दिन केवल होता है। समझ में आ गई बात? एक विषम दिन केवल होगा। तो अगर हम 1990 में हैं और 1990 को अगर सोमवार है और यहां तक हम 1900 में आ जाए, समझिए ध्यान से, ये 1900 आपका पूरा का पूरा जो है एक आपका सामान्य साल हो जाएगा। सामान्य साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1900 अगर सामान्य साल, क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, 1900 तो 400 कटेगा नहीं, तो एक विषम दिन यहां मिल जाएगा और 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपको 28 दिन मिल जाएगा। तो 28 दिन ये और 1 दिन ये मिलाकर 29 हो जाएगा, और 29 को हम 7 से भाग करेंगे तो 1 आपका शेष बच जाएगा, और उसी को हम सोमवार में ऐड कर देंगे तो हमें मंगलवार मिल जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। यदि शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल, जंगल को सोफा और सोफा को फ्रिज कहा जाए और फ्रिज को कमरा कहा जाए, तो हिरन कहां रहता है, बताइए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, शहर को गांव कहा जाता है भैया यहां पर, लिखिए शहर है, शहर को गांव कहा जाता है, और जो गांव है, गांव को कहा जाता है जंगल, और जो जंगल है
जंगल को कहा जाता है सोफा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और सोफा को कहा जाता है फ्रिज, फ्रिज, और फ्रिज को कहा जाता है कमरा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल टाइप ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे ये कहा हिरन कहाँ रहता है, तो आप बताओ हिरन कहाँ रहता है भाई, जंगल में रहता है जनरली, और जंगल को आप क्या कहते हो, सोफा, इसका मतलब जो हमारा हिरन है वो सोफा पर रहता है। 21 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गई बात, चलिए आ गया होगा समझ में, क्योंकि हिरन रहता है जंगल में और जंगल को कहा क्या जाता है, सोफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, पूरे 25 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं इनको भी। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प चुनिए, बताइए क्या हो जाएगा, देखो बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 13 का 12 लिखेंगे और ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे यहां पर 36 जो है 6 का स्क्वायर है, ये बात कंफर्म है, इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, यहां पर 7 रहेगा, क्या रहेगा, 7, तभी तो हम 7 में से एक कम करेंगे 6 आएगा, जैसे यहां 13 में से एक कम किए 12 आया है, ऐसे ही जब हम यहां 7 लिखेंगे तो इसमें से एक कम करेंगे तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर 36, चलिए सॉरी 7 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 23 मिसिंग है भैया, बीच में है नहीं वो, शायद स्लाइड मिस है, 24 कहिए, उस स्लाइड शायद मिस हो गई है कहीं पर लिखते वक्त। यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार था तो उस माह का 13वां दिन कौन सा होगा, बताइए 22वां दिन आपका रविवार है, 22वां दिन आपका संडे है, तो जाहिर सी बात है 15वां दिन भी आपका संडे होगा भाई, 7-7 दिन पर जो है आपका दिन चेंज होता है, तो 14वां दिन आपका सैटरडे होगा यानी शनिवार होगा, और 13वां दिन आपका फ्राइडे होगा यानी कि शुक्रवार होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार आपका सही हो जाएगा भाई, 22वां दिन अगर रविवार है तो 15वां दिन भी रविवार होगा, क्योंकि 7-7 दिन पर दिन चेंज होता है, और जब 15वां दिन जो है आपका रविवार है तो 14वां दिन शनिवार और 13वां दिन शुक्रवार। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, आज हमने ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी और पहली क्लास रीजनिंग की थी तो इसलिए हमने कम क्वेश्चन लिए हैं, बट कल से हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, चाहे रीजनिंग हो चाहे फिर आपका जीके हो हिंदी हो, बस आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आपको मजा आया आज की क्लास में कि नहीं आया, क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के थे कि नहीं थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी लोग। चलिए लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां देख लो 5 और 4 ऐड करोगे तो 9 आएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और 8 3 24 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन थे, अब ये बताओ कैसा लगा आपको सेशन, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था ये आप जरूर बताएं, आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम का यही लेवल है, इससे हार्ड लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, और डेली शाम को 8 बजे हम लोगों को आना है, ठीक है, डेली 8 बजे आना है हम लोगों को, तो आप लोग जो है 8 बजे जरूर जुड़ें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें आप लोग। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।